अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पिज्ज़ा। ये सिर्फ 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है। अक्सर घर में जो सब्जियां होती है उससे ही हमने पिज्ज़ा बनाया है। आप कहीं बाहर गए हो या इफ्तारी के लिए देर हो रही हो तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत फटाफट से बनकर रेडी हो जाती है, सिर्फ 5 मिनट में ही। तो चलिए पहले हम पिज्ज़ा सॉस बना लेते हैं। ये सेजवान चटनी है, इसको मैंने घर में ही रेडी किया है। 2 चम्मच सेजवान चटनी ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे मेयोनीज। हमारे घर में ये सब चीज़ें नॉर्मल ही होती ही है, हमने ये सब चीज़ों से बनाया है। 2 चम्मच के हिसाब से हमने मेयोनीज डाला है। अब ऐड करेंगे टोमेटो सॉस, ये भी 2 चम्मच के करीब ऐड किया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए बाजार जैसा पिज्जा सॉस बन चुका है। यह हमने पिज्जा बेच लिया है, यह आपको नॉर्मली स्टोर में या मॉल में मिल जाएंगे। हमने यहाँ सब्जियाँ ली है, कैप्सिकम और ओनियन को इस तरह से चॉप कर लिया है और टोमेटो को भी चॉप कर लिया है। अब पिज्जा बनाना शुरू करते हैं। हमने जो सॉस तैयार किया था वो पिज्जा बेस पर लगाइए। अब इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम, इसे इस तरह से डेकोरेट कर लेंगे। टमाटर को भी इस तरह से ऐड कर लेंगे। अब ऐड करेंगे ऑनियन। देखिए हमने सारी सब्जी ऐड कर ली है। अब फाइनली इसमें जाएगा चीज। हमारे घर में सभी को पिज्जा बहुत पसंद है, इसलिए अक्सर हम पिज्जा बनाते ही रहते हैं। सब पिज्जा कढ़ाई में बनाते, ओवन में बनाते, मैं तवे पर बना रही हूँ। पिज्जा रेडी हो चुका है। अब इसे तवे पर 2 मिनट के लिए रखेंगे, सिर्फ 2 मिनट। याद रखना है, इसे 2 मिनट के लिए ही रखना, नहीं तो जल जाएगा। तवा हल्का सा गर्म हो चुका है, अब इसे 2 मिनट के लिए रख देंगे। अब पिज्जा को प्लेट से ढक देंगे। 2 मिनट हो चुकी है, पिज्जा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम ऊपर से ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। अब डालेंगे टोमेटो सॉस। और थोड़ा सा मेयोनीज। अब हमारा पिज्जा खाने के लिए तैयार है।